हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे ब्राइडल के साइड फेस को बनाना। तो ब्राइडल के साइड फेस को बनाने के लिए पहले तो हमने ब्राइडल के आज साइड फेस को बनाना है। आई डी ई साइड एफ ए सी ई साइड फेस, पेन नहीं चल रहा है। एस आई डी ई साइड एफ ए सी ई फेस। आज हम सीखेंगे ब्राइडल के साइड फेस को। पहले हमने फोर लाइन में मतलब डॉट दे के सीखना है। पहले हमने डायरेक्ट नहीं सीखेंगे, वन इस तरीके से, फिर टू लाइन देंगे, फिर इस तरीके से थ्री लाइन, फिर फोर लाइन। और इसी चारों के अकॉर्डिंग हमने फेस को बनाना है, ना फेस ज़्यादा हो ना फेस कम हो। तो पहले हमने ये जो फर्स्ट लाइन है हमारी, उस पर हल्का सा कर्व करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ से हल्का सा बाहर लेते हुए इस तरीके से नोज़ को मिला लेंगे, आप देख सकते हैं। फिर थ्री और फोर लाइन के बीच में ही इस तरीके से हमने लिप को क्रिएट कर देना है, इस तरीके से। और यहीं से हमने चिन एरिया को उठाते हुए इस तरीके से लेके चले जाना है। तो ये हमारा देख सकते हैं लिप एरिया कंप्लीट हो गया इस तरीके से, बिल्कुल। तो ये हमारा साइड फेस कंप्लीट हो गया। अब हम डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। पहले हमने क्या करना है, हल्का सा ऊपर से कर्व करते हुए यहाँ लाना है। लाने के बाद हमने सीधी तिरछी लाइन इस तरीके से लेके इस तरीके से कर लेनी है। उसके बाद हमने हल्का सा नीचे की तरफ थोड़ा सा बहुत छोटी लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से लाइन को लेना है, आप देख सकते हैं। ये हमने इस तरीके से लेना है और यहीं से चीन एरिया को साइड से मिला देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने हमारी जो फॉरहेड है और नोज़ का जो डाउन एरिया है, वहाँ से हमने इस तरीके से एब्रो को उठा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने एब्रो को थोड़ा उठा लेना है और उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए यहाँ पे एक हल्की सी कर्व लाइन देनी है। और उसके बाद हमने इस तरीके से आई वॉल बना लेना है। इसको थोड़ा सा आप मोटा भी कर सकते हैं। ये हमारी हो चुकी, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारी आँख कितनी सुंदर बन के आई है। और उसके बाद हमने यहाँ मनटीका पहना देना है ब्राइडल को। ये हमने मनटीका पहना दिया और यहीं से हमने सर के पार्ट को इस तरीके से ऊपर के साइड से उठा लेना है। फिर उसके बाद हमने यहीं से बाल वाले हिस्से जो हम डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से, आपको बाल वाले हिस्से को ये जो फ्रंट रहेगा वहाँ पर हमने कर्ली टाइप से कर देना है, और जो बैक वाला रहेगा उसको हल्का सा घुमा के कान का शेप दे देना है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहीं पे हमने कान के झुमके को बना लेना है। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकते हैं, इस तरीके से कान के झुमके को आपको बना लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर ले, ये हो गया। अब ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे लाके, ताकि ये हम हल्का सा कर्व करते हुए लाएंगे और यहाँ छोड़ेंगे। या तो आप साइड से चोटी बना के ले सकते हैं या फिर आप जूरा, तो ब्राइडल ज़्यादा जूरा ही लेती है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे सटा लेना है और उसके बाद यहीं से हल्का सा सेंटर से लेते हुए इस तरीके से एक और कर्व घुमाते हुए हमें बना लेना है। और उसके बाद हमने इस पर छोटे छोटे हम्स दे के, जैसे कि हमने जूरा बंधा हुआ है, इस तरीके से शो करना है। तो इस तरीके से हमने हम्स दे लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने गर्दन को इस तरीके से सीधी रखनी है, ये हमने सीधी की। और हमने साइड से थोड़ा सा तिरछा कर देना है, ये चीज़ पीछे से हमने थोड़ा सा तिरछा कर देना है। ये हमारी कंधा झुकाव करते हुए आएगी। और ये हमने जो बाल की डिज़ाइन बनाई है उस पर इस तरीके से हमने जूड़े को अटैच लगा लेना है, कि ये हमारा जूड़ा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको लहंगे पहना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको मतलब जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं,
ये हमारा हाथ कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ से उठाते हुए ये हमने पल्लू इस तरीके से, और ये ब्लाउज की गला देख सकते हैं, ये हमारा ब्लाउज का गला हो गया। और फिर यहाँ से हमने उठाते हुए ये हमारा पल्लू नीचे की साइड आएगा इस तरीके से, और ये हमने हल्का सा कंधा को झुकाते हुए हाथ को डिज़ाइन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हाथ हो गया। आप चाहें तो लाइन को इस तरीके से कर सकते हैं, आपको कंफर्टेबल होगा। ये हमने लाइन को इस तरीके से बोल्ड कर लिया कि इसके नीचे का फिगर हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बेसिक, यानी जो हमारा अभी हम इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं किए हैं, रेडी हो चुका है। तो अब हमने देखिए फ्रेंड्स, ये पल्लू के बॉर्डर को बना लेना है। आप चाहे मोटा बना सकते हैं या फिर आप चाहे पतला बना सकते हैं। इस तरीके से पल्लू के हमने बॉर्डर को बना लेना है, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पल्लू के बॉर्डर को बना लिया इस तरीके से। और ये इसके बाद हमने इसके हेयर में थोड़ी सी सजावट कर देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अब इसके हम जूड़े में भी इस तरीके से डिज़ाइन डाल देंगे ताकि जूड़ा भी अच्छा लगे। तो ये हमारी एक आउटलाइन की तरह जो हमारी दुल्हन है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। और आप चाहे तो इसमें साइड से पल्लू भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, और ये आपके ऊपर है। पल्लू डालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा मान टीका है ये सिर्फ साइड से इस तरीके से लेके आना है, ये इस तरीके से मिला देना है ये हमारा, ताकि दुल्हन लगे कि नहीं दुल्हन ने कुछ ओढ़ रखा है। और पीछे के साइड से भी हमने इसी तरीके से पल्लू को गिरा लेना है, इस तरीके से लगेगा कि दुल्हन ने सिर पे कुछ पल्लू ओढ़ रखा है। अगर आपको ये दिखाना है कि साइड का चीज़ नहीं दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ से आप पल्लू को यहाँ गिरा देंगे, बाकी डिज़ाइन अंदर छुप जाएगी तो वो पता नहीं चलेगा। तो उसकी वीडियो हम अलग से डालेंगे कि हमने कैसे साइड से पल्लू को भी दिखाना है। आज के लिए इतना कि हमने कैसे साइड से घूंघट को दिखाना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा आउटलाइन लेंगे, ये हो गया। उसके बाद तरीके से सिंपल तरीके से आप इसको नथ पहना सकते हैं। और ये हमने अब बिंदी चाहे दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, मनटीका को सजा दे इस तरीके से। आपको पूरे हेयर में डिज़ाइन कर लेना है। डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड्स जितना ही, और उसके बाद जितना हमारे एक्स्ट्रे बाल के जगह हैं, आप चाहे तो शेडिंग भी कर सकते हैं। शेडिंग की वीडियो हम आपको बाद में देंगे, पहले हमने डायरेक्ट फिल करके हेयर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हेयर कंप्लीट हो चुका इस तरीके से। आप जितना इसको अच्छे से बोल्ड करेंगे ये देखने में उतनी सुंदर दिखेगी। पूरी डिज़ाइन को हमने इस तरीके से फिल कर लेना है ताकि समझ में आए कि नहीं इसने जुड़ा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। और फिर उसके बाद हमने इसके बाजू में भी कुछ डिज़ाइन डाल देने हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो डिज़ाइन डाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लीव का पेटल दे रही हूँ, सिंपल भी है। और यहाँ सा हल्का सा राउंड देते हुए छोटे से फूल को कर्व कर रही हूँ। उसके बाद बाकी जगहों को हमने फिल कर देना है। ये हमने बाकी जगहों को फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने ब्लाउज में जो डिज़ाइन है उसको हमने क्या डिज़ाइन देना है आप फिल भी कर सकते हैं, बट मैं चेक चेक डिज़ाइन दे रही हूँ, आप भी दे सकते हो। तो ये हमारी दुल्हन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने थोड़ा सा झुमके में भी डेकोरेशन कर देना है ताकि ये और सुंदर दिखे। ठीक है फ्रेंड्स,
इस तरीके से। और उसके बाद हमने जो बचे हैं पार्ट्स पल्लू के, पल्लू को भी हमने फिल कर देना है इस तरीके से, ताकि दिखे कि दुल्हन ने पल्लू ले रखा है। आप, मैं फिल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना फिल करेंगे उतनी ही, अगर हाथ पे आप लगा रहे हैं इस तरीके से, ज़्यादा फिल करेंगे तो बहुत अच्छा इसका कलर आता है और कस्टमर भी बस खुश हो जाते हैं कलर से, क्योंकि मेहंदी के डिज़ाइन कितनी भी खूबसूरत हो पर कलर नहीं आता है तो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हाथों पे हैवी यानी बोल्ड लाइन वर्क ही दें, ताकि हमारी जो ब्राइडल है वो खुश हो सके। उसके बाद आप चाहे तो गले में कोई सी भी डिज़ाइन आप पहना सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको क्या देना है फ्रेंड्स, आपको क्या पहनाना है। और उसके बाद हमने इस तरीके से टेंडन टेंडन करके इसके पल्लू को सजा देना है कि अच्छा लगे। आप कुछ और भी फिल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बाकी की डिज़ाइन मैं सिखा रखी हूँ। बाकी की वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम इस तरह की आपके लिए यूज़फुल वीडियो पहुँचाते रहें। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक तो आप तभी करना जब आपको पसंद आए हमारा वीडियो, हमारा मेहंदी ट्यूटोरियल। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।